लिए बड़ा शौक से लोग उसमें जा रहा है, साली जा रहा है, साला जा रहा है, सरोज जा रहा है, घरवाली जा रही है, सब जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से चले गए सुल्तानगंज। सुल्तानगंज जाने के बाद रात भर घूमा, मार्केट किया, कमर खरीदा, जो बोलबा में लगता है सब साजो सामान खरीदा। उसके बाद गंगा स्नान किया, जल भर लिया। भाई जल भरने के बाद धीरे पंडित जी संकल्प करवाया। तो पंडित जी बोलते हैं श्री श्री बैजनाथ धाम भोला बाबा मंगल कृपा बनाए रखे, उत्तर वाहिनी गंगा एक भार जल, ओम नमः शिवाय, बोल बम बोल बम। और वहाँ से बोल बम की यात्रा शुरू हो गई। अब चलते चलते जो है ना साली बम डैमेज हो गया, पत्नी बम भी डैमेज हो गया, साला बम भी डैमेज हो गया। तो उसको कोई नहीं मना रहे, लेकिन जीजा क्या करता है साली बम को जरूर मनाते हैं। फिर चलते चलते थोड़ा दूर गया तो उस रास्ते में क्या है, कुत्ता, कुत्ता भी बम बन जाता है उस टाइम, है ना। तो वो था भैरव बम, भैरव बम लो। फिर सिगरेट वाला, ए सिगरेट बम, ए सिगरेट बम। उसके बाद गंजा बम, होटल बम, मतलब सब उस टाइम बम ही बन जाता, मतलब लगता है कि सब बम बन के घूम रहा है ना बोल बम के रास्ते में। अब साली बम भाई बोला जीजा जी हमको कोको कोला ला दो। बोला चलो और 10 कदम आगे चलो, अगला दुकान में कोका कोला दिला देंगे। अब साली का तो पेट डैमेज हो गया, चला नहीं पा रहा है उसको भाई। तो जीजा जी सोचा साला बम डैमेज हो गया लेकिन साली बम को मनाना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर साली बम फट गया तो कितने के घायल कर देंगे उसका हिसाब नहीं है, क्योंकि ये बम भाई बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि जीजा जी तो हरदम पास में रहता है, तो पास वाला को ज़्यादा खतरा होगा ना जी, दूर वाला खतरा कम होगा। इसलिए साली बम को बहुत मनाते हैं जीजा जी कि भाई ये बम कहीं फट ना जाए। ये बम जो होता है साली बम बहुत खतरनाक बम होता है, इसलिए उसको किसी तरह मैनेज करके कभी गोदी में उठा के कंधा पे लेके कभी गाड़ी में बैठा के बोल बम बोल बम। तो उस रास्ते में भाई सब बम बन जाते हैं, वो बम बहुत खतरनाक होता है, खास करके साली बम। बंद कर देंगे।